फाइनली दोस्तों डीडी फ्रीडिश की ओर से गुड न्यूज हमें मिल गई है और गुड न्यूज के मुताबिक करीबन 250 चैनल्स के आसपास जो है इनका अल्टीमेटम है कि वो अगले साल आपके लिए चैनल्स को बढ़ाने वाले हैं और इन नए चैनल्स को मौका देने के लिए रिसेंटली इन्होंने दो नई फ्रीक्वेंसीज को ऐड भी किया है और इसके बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं। उन फ्रीक्वेंसीज के अंदर करीबन 60 चैनल्स जो है वो ओवरऑल अभी चल रहे हैं जिसमें से 3 HD चैनल्स ऑलरेडी अपने ही खुद के ऐड कर चुके हैं और बाकी के जो शेष स्लॉट्स खाली हैं उनको भरने की कोशिश की जाएगी जो हमारे लिए अगली एनुअल ई ऑप्शन आने वाली है। अभी एक्सचेंज फॉर मीडिया की रिपोर्ट की ओर से देखें तो उन्होंने बताया कि प्रसार भारती की तरफ से जो है ये बताया जा रहा है कि वो जो है लोगों की मांग देख रहे हैं और ब्रॉडकास्टर का इंटरेस्ट देख रहे हैं। एक तरफ लोगों की मांग आ रही है कि डीडी फ्रीडिश के अंदर ज्यादा से ज्यादा चैनल्स देखने को मिलने चाहिए तो दूसरी ओर ब्रॉडकास्टर की ओर से भी उन्होंने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो रिसेंटली अभी ई ऑप्शन हुई है पिछले कुछ सालों में तो उस दौरान चैनलों की जो मांग थी डीडी फ्रीडिश को लेकर वो ज्यादा थी और हमारे पास जो थे स्लॉट्स काफी कम थे और हमारी मजबूरी ये हो गई थी कि हम जो है ज्यादा चैनल्स आने की बावजूद भी हम उनको स्लॉट्स नहीं दे पाए। मान लीजिए चैनल अगर 100 आने को चाह रहे हैं तो डीडी फ्रीडिश के पास उतने स्लॉट्स नहीं है प्राइवेट चैनल्स को देने के लिए जिसकी वजह से डीडी फ्रीडिश को भी मजबूरी का जो सामना करना पड़ा और ब्रॉडकास्टर भी जो है डीडी फ्रीडिश का पार्ट नहीं बन सका। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसको देखते हुए प्रसार भारती ने रियलाइज किया कि इन दोनों ऑप्शंस को जो है ध्यान में रखते हुए हमें जो है स्लॉट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो आखिरकार इन्होंने जो है अभी रिसेंटली नई दो फ्रीक्वेंसीज को अलॉट किया है और अभी वो जो है टेस्ट फेज में है और फाइनली जो इनको ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा वो आपके लिए हो जाएगा मेरे ख्याल से फरवरी के आसपास और मार्च के आसपास। वैसे स्लॉट्स तो आपके ऑलरेडी डीडी फ्रीडिश के डब्बे पर देखने को मिल रहे हैं लेकिन इसमें दोस्तों आपको कुछ जो है पॉइंट्स को जो है ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। एक तो पॉइंट ये है कि ये जो नए चैनल्स हैं अगर आने वाले समय में लॉन्च होते भी हैं तो उसका जो फायदा है वो फिलहाल अगर हम देखें तो MPG4 के ग्राहकों को ही देखने को मिल रहा है क्योंकि केवल MPG4 के वो पार्ट है, MPG2 के लिए जो है स्लॉट्स फिलहाल बड़े ही नहीं है। MPG2 में कोई भी नया चैनल अभी तक आपके लिए देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि MPG2 में स्लॉट्स बढ़ाए नहीं गए। MPG4 में जो है स्लॉट्स बढ़ाए गए हैं और जो भी 60 नए चैनल्स हमारे बीच ऐड हुए हैं वो सभी MPG4 फ्रीक्वेंसी का पार्ट है तो ऑब्वियसली आपको अपने बॉक्स को भी बदलना पड़ सकता है आने वाले कुछ सालों में। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भाई इन्होंने ये जो है सिस्टम कब तक बनाने की कोशिश की है तो वे कह रहे हैं कि आप जो आपके लिए एनुअल ई ऑप्शन आने वाली है जो कि फरवरी या मार्च के आसपास होती है तो उस समय जो है हम सभी चैनल्स को न्योता देंगे, इवन रीजनल चैनल्स को भी न्योता देंगे जो कि क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल होते हैं तो उनको भी हम मौका देंगे कि डीडी फ्रीडिश पर जो आना चाहे वो आ सकता है और पार्टिसिपेट करके हिस्सा बन सकता है क्योंकि हमारे पास अब स्लॉट्स काफी हैं, हम आपको आसानी से जो है यहाँ पर मौका दे सकते हैं। अब दोस्तों घूम फिर के जो बात आ जाती है वो ब्रॉडकास्टर के ऊपर ही टिकेगी कि आखिर ब्रॉडकास्टर इंटरेस्ट लेंगे या नहीं क्योंकि पहले सिचुएशन कुछ अलग हुआ करती थी लेकिन आज के समय में बिट प्राइस ज्यादा होने की वजह से जो है कुछ अलग ही सिचुएशन है और यही सबसे बड़ा कारण है कि अभी जो रिसेंटली 6 से 8 स्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं उनको भी भर नहीं पा रहा है प्रसार भारती। आपको क्या लगता है डिसीजन सही है या नहीं, क्या वाकई में आने वाले समय में आपको करीबन 250 चैनल्स का जो है देखने का ऑप्शन मिल पाएगा या नहीं, नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।